रेडी अब तू जा। ये भाई पकड़ ले बस। अबे यार क्या कर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि व्यूअर्स आपको बताएं कि इस टाइम पे हम आपको लेकर जा रहे हैं साखरान वाली नहर पे, इंशाल्लाह ताला नहाने जा रहे हैं। कराची का मौसम आपको पता है कि गर्मी में बहुत ज़्यादा है, आज 43 डिग्री सेंटीग्रेड है और बारिश कल हुई थी लेकिन कुछ इलाकों में हुई और कुछ में नहीं हुई। तो आज हमने सोचा कि अमजद भाई हैं, हमारे बुआ भाई हैं, अगर हमारे कैमरामैन दिखाना चाहें तो, और हमारे उनैन भाई हैं, आज हम जाते हैं साखरान वाली नहर में नहा कर आते हैं और फिर आपको ये पूरा रास्ता आपको दिखाते हैं। ये बलूचिस्तान मंगोपीर से आगे जाने के बाद ये सारा रास्ता आता है, बड़े बड़े पहाड़ हैं, ये आपको हम अपने व्यूअर्स को सब कुछ दिखाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो क्वालिटी जो है इसके अंदर ये है कि बंदे का जो जिस्म है वो ठंडा हो जाता है, जब बंदा नहाता है तो जिस्म बिल्कुल ठंडा हो जाएगा। तो फिर व्यूअर्स ये आप देख लें कि इस टाइम पे हमने आपको जैसे कि आपको बताया था कि हम नागरान के जो रास्ता है, एक रास्ता इस टाइम पे क्वेटा की तरफ जा रहा है और एक रास्ता जो है जो सुपर हाईवे M9 मोटरवे जो आता है उस तरफ जा रहा है। हमें इन दोनों रास्तों पे नहीं जाना है, ये अगर हमारे कैमरामैन आपको व्यू करके दिखाएं तो इस टाइम पे ये बोर्ड लगा हुआ है। जाना है ना हब की तरफ जाना है, हमें सीधा हमदर्द यूनिवर्सिटी की साइड पे जाना है। ये मोटरवे इस टर्न पे बहुत ख्याल करना, काफी सारे एक्सीडेंट होते हैं इस टर्न के ऊपर, अल्लाह पाक हिफाजत करे। ये अब वाला रास्ता है ना? जी हाँ ये अब वाला रास्ता है, ये जो है ये सुपर हाईवे को जाता है, ये सीधा हमदर्द यूनिवर्सिटी को जाता है। तो व्यूअर्स आपको सीधा जाना है बिल्कुल, अगर आप साखरान वाली नहर के लिए जा रहे हैं तो आपको सीधा जाना होगा और ये हमदर्द यूनिवर्सिटी वाला रोड लग जाएगा। बाकायदगी के साथ बोर्ड लगे हुए हैं, सामने पोल बने हुए हैं इनके और आपको स्ट्रेट जाना है, बिल्कुल कहीं टर्न नहीं मारना, ये ख्याल करिएगा आप। ये बड़े बड़े ट्रक होते हैं यहाँ पे जो ये जो है इस टाइम पे एक रोड है, एक नूरानी मजार की तरफ जा रहा है और एक हब चौकी की तरफ जा रहा है। और इस टाइम पे ये अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकें कि इस टाइम पे इस हाथ की तरफ, इनके लेफ्ट हैंड की तरफ, ये पूरे चीकू के बाग हैं, यहाँ पे चीकू वगैरह जो हैं उगाए जाते हैं, काफ़ी काश्तकारी की जाती है यहाँ पे, बहुत ज़रा आमदनी के हिसाब से बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे जो है सिस्टम बनाया है। ये पूरा रास्ता व्यूअर्स कच्ची का है, यहाँ सारी खड्डे बहुत एहतियात से और सुकून से गाड़ी चलाई जाती है और कच्चा रास्ता पक्के रास्ते से होते हुए आप साखरान के लिए जाते हैं। और अभी हम आपको वो भी दिखाएंगे जब हमारा डैम जो है ओवरफ्लो हो जाता है तो फिर पानी जो है इन पूरी जगहों पे आ जाता है और ये जगहें भर जाती हैं, जैसे ये सामने आपको एक चौकी टाइप की डेरा टाइप का दिख रहा होगा, ये सब डूब जाता है इसके अंदर, ये पूरा पानी यहाँ आ जाता है और ये पूरा गाँव का माहौल होता है और चार दीवारी दी हुई होती है, लोग अपने
पेशकारी करते हैं यहाँ पे। और बलूचिस्तान है, अल्लाह ताला की कुदरती वसाइल के हिसाब से अल्लाह ताला की बहुत बहुत जो है ख़जाने इसके अंदर छुपे हुए हैं, लेकिन बस अल्लाह पाक रहम करे और हमारे मुल्क पे अल्लाह पाक अपना रहम और करम फरमाए कि हमारे मुल्क के हुक्मरान कुछ ये करें कि यहाँ पे आके जो है इन ज़खायरों को, अल्लाह की दीवी नेमतों को तलाश करें। और इसके जो जैसे मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि यहाँ से जो है ये आप खड्डा दिखाएं, यहाँ सारा पानी आ जाता है, ओवरफ्लू जब होता है तो यहाँ से ये पूरा पानी जो है डूब जाता है, इसके अंदर ये सब पानी के अंदर डूब जाता है। ये पहाड़, ये जो दीवारें आपको दिख रही हैं, और इस साइड पे पुल का काम भी कर रहे हैं यहाँ पे ताकि इस साइड पे पानी ना आ सके कभी और फ्लू हो। ये है बंद मुराद, बंद मुराद का एरिया कहलाता है ये। और ये जिस तरीके से ये पूरे पहाड़ आपको दिख रहे हैं, ये सब जब डैम ओवरफ्लो होता है तो ये सब डूब जाते हैं। इस साइड दिखाएं आपको, ये डैम का पानी है जो यहाँ से आ रहा है, ये आप देख लें, ये डैम का पानी इस दीवार से निकल के यहाँ पे आता है। जैसे कल बारिश हुई है, ज़्यादा खास नहीं हुई है, थोड़ी बहुत बारिश हुई है, तो ये पानी आप देख लें किस तरीके से आ रहा है। जब बारिश तेज़ होती है तो ये पानी हुई बस पूरा बाहर आ जाता है और ये पूरी जगहों को डुबा देता है। ये अभी ना यहाँ पे अहमद भाई को चीकू नजर आया ना, तो ये फ्रेश अभी चीकू खरीदेंगे। आ जाए अहमद भाई, बंद करना, मैं यहीं से बनाऊंगा ना, अंदर आओ ना, चीकू खरीदते हुए यार हमारे व्यूअर। हाँ तो भाई मैं यहाँ से बना लूंगा। ये देखो यार लोग कितने तंग हैं बेचारा, इस जगह पे वो रखते हैं। चीकू भी बहुत मीठा है लगा, चीकू भी बहुत मीठा है, मैंने खुद खाया, चेक किया, बहुत मज़ा आ रहा है। ये अंकल है हमारे, चीकू बेच रहे हैं यहाँ पे, सामने ही बाग है चीकू के। खजी के बाग हैं, ये साकरान का इलाका है बलूचिस्तान, साकरान का अहमद भाई, ये सारे खजी के बाग हैं साइडों में। हम जा रहे हैं साकरान वाली नहर पे ना, तो यहाँ पे तकरीबन सात सात, ये देखिए हर 10 फीट के बाद जो है ये पेट्रोल वाली डीजल वाली टंकी लगी हुई है, हर 10 मिनट बाद। पता नहीं यहाँ पे पेट्रोल इतना है, वो डीजल ईरान वाला है ना, ईरान वाला। ये अब ये देखें, ये भी टंकी लगी हुई है, अब ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें आप, जैसे करियाने की दुकानें होती है ना, ऐसे यहाँ पेट्रोल की टंकियाँ लगी हुई भाई। ये देखें हर 15 फीट के बाद पेट्रोल की टंकी है, ये देखें हर दुकान के आगे आप क्यों समझें कि पेट्रोल की टंकी लगी हुई है। ये देखें ये पेट्रोल की टंकी है, ये डीजल की, यानी कि लोग कम है, पेट्रोल की टंकियां ज्यादा लगी हुई है। दिखा भाई। अच्छा भाई ये है साकरान की नहर, ये अहमद भाई हैं। ये कहाँ से आ रही है अहमद भाई? हब डैम। ये हब डैम से आ रही है ना, ये पानी कहाँ जाता है? कराची। ये कराची को पीने का पानी, अब हम इसमें नहाएंगे, ये ख्याल कर लो आप। ये देखें वो बोलो यार, ये पकड़ जरा, ये अहमद भाई हैं, ये पकड़ जरा, मैं छलांग लगाऊं फिर, ये तो डर रहे हैं इसमें छलांग लगाते हुए, हम ना छलांग लगाएंगे। हाय हाय, पानी
भाई पकड़ ले बस। अबे यार क्या कर चलो अबे उछल के जंप करना भाई पकड़ ले बस। अबे यार क्या कर उधर ही रुकना और इधर इधर उधर यार मैं सारा आ रहा हूँ ना और बस बस उधर ही रोक तू मैं इधर जाऊंगा तो इधर के बनाएगा ये तूने ऐसे करना है समझ आया समझ गया उन्हें इधर आ जा यहाँ तेरे हाथ के पास चलो बंद हो गया। हाँ वो उसका चल रहा है बैग चला गया। रेडी आप तू जा ये। और सफर है मुझे तो आने दो आओ आओ। कैमरे समेत जंप मारूंगा ये अहमद भाई है तेरी वो बीच में पत्थर भी है भाई ये हम डूब रहे हैं हमें बचाओ ये बोल भी डूब गया ये अहमद भाई डुबुकी लगा रहे हैं डुबुकी बन रही है पानी चला जाता है।
खुला हुआ है क्यों बंद है? तस्वीर कैच मौलवी के मौलवी टाइम हो गया, आजा ये ले अपनी मूवी बनाता। नहीं मैंने स्टेल लगाया, मैंने बालों पे स्टेल लगाया। टूटेगा किधर पानी में? पकड़ टूट जाएगा। नहीं पकड़ तू, टूट जाएगा। पकड़ तू अगर भाई टूट जाएगा मेहरबानी इसको पकड़। इसी की वीडियो बनता तो पकड़ा कर यार। ये फेंकना यार शैंपू, थोड़ा काम भी ना रहे। हां बैठ नहीं, यहीं से नहा के जाएंगे। पहले सारा पानी यहीं से तो जाता है कराची। फेंक दो वही बात है ना, उधर चला।